मेरे पापा से कर्जा लेने में तो इनको शर्म नहीं आती है, पर मेरे पापा के घर बिना बुलाए जाने में इनको बहुत शर्म आती है। समझदार हो तो समझ जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। किसे सुना के जा रही हो तुम हाँ? और बोल क्या रही हो? इस घर में सब प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं तुम्हारी, इसीलिए इस घर की बहुरानी बना के लाए थे तुम्हें। इस घर में किसी को जरूरत होती है ना, तभी इज्जत करते है मेरी, वरना बिना मतलब के तो कोई सीधा मुंह बात भी नहीं करता मुझसे। इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि तुम्हें नौकरी क्यों करना, मैंने कहा कि मुझे अपना घर बनाना है। फिर ऑफिसर ने कहा क्यों किराए के घर में रहती हो, मैंने कहा नहीं मैं अपने पति के घर में रहती हूँ। तो ऑफिसर ने कहा तो फिर क्यों घर बनाना, तो मैंने कहा कि मैं जब भी कोई गलती के खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो मुझे बार बार ये धमकी मिलता है कि मेरे घर से निकल जाओ, जाओ अपने माँ बाप के पास रहना, और माँ बाप से यही जवाब मिलता है कि बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर ससुराल है, तुम्हें जैसे भी रहना है वही रहना है। मैं आज तक समझ नहीं पाई साहब कि मेरा घर कौन सा है, मेरा ठिकाना पता है। सबसे बेवकूफ मर्द वो है जो अपने घर का हर रिश्ता निभाते निभाते बीवी से अपना रिश्ता कमजोर कर ले।